दोस्तों डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया। पहले 3 का काम है इंडियन सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना, और चौथी मीडिया जो अर्थ की सबसे पावरफुल एंटिटी है उसका काम है बाकी के 3 पिलर्स की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। तो क्या आजकल की मीडिया इतनी ट्रांसपेरेंट है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? पूछता है भारत। सो हे गाइस, दिस इज आशुतोष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूज मीडिया के बारे में और वो हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इंडिया चाइना की बात हो या फिर इंडिया पाकिस्तान की बात, ये हर न्यूज चैनल के लिए एक ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव न्यूज होता है। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जाता है प्रॉब्लम उसमें है। आइए कुछ क्लिप्स पर फोकस करते हैं। ग्राफिक्स की हेल्प से वॉर का सीन दिखाया जाएगा, जैसे न्यूज चैनल पर ही वॉर हो गया हो। एक ही बात को 10 तरीके से बोला जाएगा और साउंड से माहौल बनाया जाएगा। न्यूज हेडलाइंस देखकर लगता ही नहीं है कि ये कोई न्यूज है, बल्कि एक भड़काऊ हेडलाइंस होती है जिससे लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स भूलकर इन हेडलाइंस को पढ़ेंगे। रिसेंट में ही इंडिया ने फ्रांस से राफेल खरीदा और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था क्योंकि इससे इंडिया की पावर और बढ़ गई। लेकिन दोस्तों ये कोई पहला मोमेंट नहीं था कि इंडिया ने कोई प्लेन खरीदा हो, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया के मैक्सिमम प्लेन्स, शिप्स या फिर वेपन्स होते हैं वो अदर कंट्री से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। लेकिन न्यूज़ मीडिया ने इस टॉपिक को इस तरह से कवर किया जैसे इंडिया ने कोई वॉर जीत लिया हो। आया राफेल, दुश्मन का हार्ट फेल। एक दूसरे देश से फाइटर्स प्लेन खरीदने से इंडियन न्यूज़ चैनल को इतनी खुशी मिलती है तो फिर फ्रांस को तो इससे भी ज़्यादा खुश होना चाहिए, बिकॉज प्लेन्स तो उसकी भी की है। आप इनकी न्यूज़ हेडलाइंस देखकर ही समझ जाएंगे कि एक छोटी सी चीज़ को दिखाने के लिए किस तरह के साउंड एंड इफ़ेक्ट्स का हेल्प लिए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस, ये करंट टॉपिक है न्यूज़ मीडिया के लिए जो पिछले 3 महीनों से एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। शुरू शुरू में इस न्यूज को कुछ इस तरीके से दिखाया गया, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं वे चाहे सुसाइड किया हो या फिर मर्डर, पर मीडिया को इस तरीके से हेडलाइंस बनाने की क्या जरूरत थी। वेल, जैसे जैसे ये केस और कॉम्प्लिकेटेड होता गया मीडिया को इस केस में और इंटरेस्ट आने लगा। जर्नलिज्म के सारे नॉर्म्स पार कर दिए गए। आइए एक एक करके बात करते हैं। ये एंकर जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यही CBI और यही जज हैं। ये भूल गए हैं कि ये स्टूडियो में बैठे हैं और इनको पूरा देश देख रहा है। ये साफ पता चल रहा है कि ये ओपिनियन नहीं दे रहे बल्कि अपने ओपिनियन को थोप रहे हैं। सुनना चाहता है पूरा भारत, बोलिए। और यहाँ पर ये बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गई। दोस्तों ये अर्णव गोस्वामी के एंकरिंग का स्टाइल है। इस वीडियो क्लिप में साफ पता चल रहा है कि ये न्यूज नहीं तमाशा बनाया जा रहा है। चीख चीख के अपनी बातों को ऐसा पेश करना है कि लोग टीवी के बगल से गुजरे तो एक बार जरूर देखें। बोलिए, अरे सांप सूंघ गया क्या? मीडिया का काम है फैक्ट्स लाना, ना कि अपने ओपिनियन प्रेजेंट करना। इसके लिए अदर एजेंसीज हैं जैसे कि CBI एंड CID। और दोस्तों ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। PCI, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ने खुद मीडिया को क्रिटिसाइज किया सुशांत सिंह इन्वेस्टिगेशन के बीच इतना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। PCI के अकॉर्डिंग मीडिया को अपने मन से कोई भी कहानी नहीं बनानी चाहिए कि नॉर्मल पब्लिक को मैटर समझना ही मुश्किल हो जाए। किसी भी इंसान की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मीडिया को कहा कि वे सुशांत केस के रिपोर्टिंग करते टाइम खुद को कंट्रोल करें, इन्वेस्टिगेशन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अलावा कुछ और ना दिखाएं। दोस्तों आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब COVID-19 के केसेस फैलना स्टार्ट हुए थे तो इसकी सारी जिम्मेदारी मीडिया ने विदेशी तबलीगी जमातियों पर डाल दिया था। सेम ऐसी कवरेज दिनों रात दिखाई गई और हम व्यूवर्स के मन में डाल दिया गया कि ये कोरोना लाने वाले विदेशी तबलीगी जमात के लोग ही हैं। लेकिन जब ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और एक इमेज बनाने की कोशिश की गई कि इंडिया में COVID-19 के जिम्मेदार विदेशी जमात के लोग हैं। यही रीज़न है कि उनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड में कोई एविडेंस नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मीडिया को विदेशी तबलीगी जमातियों से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल ने ये न्यूज़ दिखाना नहीं समझा। TV डिबेट्स, दोस्तों न्यूज़ चैनल के TRP के लिए मेजर सोर्स होते हैं उनके डिबेट्स। कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगा, आज तक पर दंगल और हल्ला बोल, जियो न्यूज़ पर ताल ठोक के, रिपब्लिक भारत पर महाभारत, न्यूज़ 18 इंडिया पर आर या पार। नाम से ये डिबेट कम युद्धभूमि ज़्यादा लगती हैं और ये बहुत हद तक सही भी है। इनके मेन डिबेट्स के टॉपिक इंडिया पाकिस्तान,
इंडिया चाइना, हिंदू मुस्लिम और बीजेपी कांग्रेस पर ही होता है। बॉर्डर पर युद्ध हो या ना हो, इनके चैनल्स पर युद्ध जरूर हो जाता है। मजे की बात ये कि इनके डिबेट्स इकोनॉमी पर हो या फिर हेल्थ सेक्टर या फिर पॉलिटिक्स या फिर एजुकेशन, घुमा फिरा के वही चार प्रवक्ता आएंगे जिनको सारे फील्ड्स की नॉलेज है। एट द एंड इन डिबेट्स का कोई कंक्लूजन नहीं होता और मुद्दा कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्ट और रिलीजन पर लटक जाता है। रियल प्रॉब्लम्स इग्नोर्ड बाय मीडिया। अगर मीडिया को आपस में ही लड़ने से फुर्सत मिल जाए तो पता चलेगा इस देश में डिबेट के लिए और भी मुद्दे हैं। एक हफ्ते से एसएससी एंड रेलवे के स्टूडेंट्स रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए मास ट्वीट कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2017-18 में हुआ था, लेकिन मीडिया को इन 3-4 सालों में फुर्सत नहीं मिली इस टॉपिक को कवर करने के लिए। स्टूडेंट्स के प्रेशर बनाने के कारण अब जाकर गवर्नमेंट ने एसएससी सीजल 2018 के रिजल्ट डिक्लेयर की बात की। बिहार का तो अलग ही सीन चल रहा है। 2014 के मेंस पेपर की डेट अब जाकर आई, बिहार को 6 साल लग गए लेकिन मीडिया ने आज तक ये कवर नहीं किया। हेल्थ सेक्टर, कोरोना पैंडेमिक ने बता दिया कि भारत की पोजीशन हेल्थ सेक्टर में क्या है। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग 195 कंट्रीज में से 145th पोजीशन पर है इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड केयर। मीडिया को कभी टाइम नहीं मिला हेल्थ केयर ऑफ इंडिया पर डिबेट कराने का। इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया की GDP घटकर -23.9 हो गई। ये न्यूज़ हेडलाइंस तो बन गई लेकिन इस पर डिबेट नहीं हुआ कि आखिर क्या घट रहा है। हर साल असम और बिहार में फ्लड आ रहे हैं, ये न्यूज़ हेडलाइंस तो बन जाती हैं लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट से ये कभी डिबेट नहीं किया गया कि आखिर क्या मेजर्स लिए गए हैं फ्लड को रोकने के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया 2020 में 142वें पोजीशन पर, जबकि 2019 में 140 एंड 2018 में 138वें पोजीशन पर थी। आप नोटिस करेंगे कि इंडियन मीडिया की पोजीशन हर साल गिरती जा रही है। मीडिया के प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI 1978 को इम्प्रूव करना चाहिए। एक्चुअली PCI को न्यूज़ मीडिया की इन्वेस्टिगेशन की परमिशन तो है पर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पावर नहीं है। डिजिटल मीडिया तो रेगुलरली बढ़ती जा रही हैं लेकिन प्रिंट मीडिया एक्सटिंक्ट होती जा रही है इस पैंडेमिक में। इसका मेन रीज़न है हम व्यूवर्स, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा समझते हैं न्यूज़ चैनल को देखना। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर न्यूज़पेपर की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 20 से 25 रुपए होती हैं और ये हमें सिर्फ 5 से 10 रुपए में ही पड़ती हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बिना किसी मिर्च मसाले की जाननी है तो फिर प्रिंट मीडिया पर रिलाई करें। इनमें द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस ट्रू एंड ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाते हैं। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ऐसे ही सोशल इश्यूज पर वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ गाइज, लास्ट वीडियो में हमारी रीच बहुत कम आई थी, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। आप अपने सोशल वॉल्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। रिया चक्रवर्ती हैज अराइव्ड एट द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस।